हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज का टॉपिक है 30 इयर्स वॉर पार्ट 1। इसमें मैं आपको 30 वर्षीय युद्ध के परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप चटक मटक वीडियो देखने के शौकीन हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दें, और यदि आप कंटेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों 30 वर्षीय युद्ध का नज़ारा शायद बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, बहुत सारे क्या 95% स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि आखिर ये युद्ध हुआ भी था, और हुआ था तो कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था और किस कारण से हुआ था। दोस्तों ये हमें तभी पता चलता है जब हम वैकेंसी फेस करते हैं या और किसी तरह के एग्जाम को फेस करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के कंटेंट बहुत ही दुर्लभ होते हैं यूट्यूब पे। तो मैं ये जो आपको वीडियो दे रहा हूँ और ये जो मैं स्पीच कर रहा हूँ और रीड कर रहा हूँ, ये बहुत ही नेसेसरी है, शोध और बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों का निचोड़ है। तो कृपया यदि आप चाहें तो इसे पंक्तिबद्ध नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात ऐसा है कि प्रोटेस्टेड और रोमन कैथोलिकों के बीच उत्पन्न तनाव के कारण युद्ध में कई धर्म युद्ध हुए थे यूरोप में। याद रखिएगा, प्रोटेस्टेड और रोम कैथोलिकों के बीच में हुआ था। इन धर्म युद्धों की परिणति 30 वर्षीय युद्ध हुआ, यानी कि 1618 से लेकर 1648 ईस्वी। किंतु इस युद्ध का धर्म ही एकमात्र कारण नहीं था। हैब्सबर्ग और बुर्बो वंश की प्रतिद्वंद्विता भी इस युद्ध का एक प्रमुख कारण थी। इसके अतिरिक्त प्रमुख यूरोपीय देशों कि शक्तिशाली निरंकुश राजाओं के बीच प्रधानता के लिए संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण कारण था, परंतु राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध में उतनी बड़ी भूमिका अदा नहीं की जितनी भूमिका 19वीं और 20वीं शताब्दी के युद्धों में रही। इस युद्ध में थोड़ी बहुत भूमिका व्यावसायिक वर्ग ने निभाई। इस युद्ध में जनता और क्षेत्रों का शतरंज के मोहरों के रूप में प्रयोग किया गया। 1555 ईस्वी की ऑर्ग्सवर्ग की संधि के द्वारा जर्मनी में रोमन कैथोलिकों और लूथरवासियों के बीच के संघर्ष को समाप्त किया गया था, परंतु इस संधि से स्थापित नहीं हो पाई। इस संधि द्वारा सिर्फ रोमन कैथोलिकों और लूथरवासियों को ही मान्यता दिया गया इस संधि में, और उन्हें 1555 ईस्वी के बाद काल विनाशवादियों, याद रखिएगा काल, फिर बोलते हैं को आका लो व हर्षी का न, काल विनवादियों ने पवित्र रोमन साम्राज्य के कई प्रांतों में अपने प्रभाव का विस्तार किया, और अब वे भी समानता की मांग करने लगे। दोस्तों ऐसा है कि आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि आप स्पेलिंग क्यों बता रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए बहुत समस्या होती है। समस्या ये होती है कि हिंदी मीडियम बच्चों को यदि कोई हिस्ट्री हिंदी में होती है तो उसमें इतनी शुद्ध हिंदी होती है जिसका प्रोनंसिएशन इट्स वेरी डेंजर और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो शायद मुझे लगा, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। तो दोस्तों ऑक्सवर्ग की संधि द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की संपत्ति के अधिग्रहण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए जर्मन के प्रोटेस्टो प्रांतों में कैथोलिक यानी रोमन कैथोलिक चर्च की जमीन को जब्त करता या किया जा रहा था। उधर दूसरी ओर रोमन कैथोलिक दिनादुनी आक्रमक होते जा रहे थे, और उन्होंने पवित्र रोमन साम्राज्य से प्रोटेस्टेंटों को निष्कासित करने का सपना देखना शुरू कर दिया। डरकर प्रोटेस्टेंटों ने आपस में एक सुरक्षात्मक संधि की। प्रतिरक्षा में रोमन कैथोलिकों ने भी इस तरह का एक संघ तैयार किया। इस बढ़ते हुए तनाव की परिणामिक 30 वर्षीय युद्ध में हुई। तो आप समझ गए होंगे कि 30 वर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुई थी और क्यों हुई थी। ये एक्चुअल में धार्मिक युद्ध था
जो कि प्रोटेस्टो और रोमन कैथोलिक के बीच में हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ धार्मिक युद्ध था। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये युद्ध के साथ साथ बहुत सारी महत्वाकांक्षा और बहुत सारी महत्वाकांक्षिक विचारधाराओं का एक सम्मिलित रूप था, तो इसका परिणाम तो होना ही था। इस युद्ध में धार्मिक प्रश्नों के साथ साथ राजनीतिक और वंशानुगत प्रश्न भी जुड़ गए। 17वीं शताब्दी के प्रायः सभी युद्धों का प्रमुख कारण हैप्सवर्ग और बुर्बो वंश का संघर्ष रहा है। हैप्सवर्ग वंश प्रारंभ में ऑस्ट्रिया का शासक था, लेकिन क्रमशः उसने हंगरी और बोहेमिया पर भी अधिकार कर लिया। हैप्सवर्ग का प्रधान पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट भी बहुत करता था। हैप्सवर्ग की प्रधान पवित्र रोमन साम्राज्य कि 17वीं शताब्दी के प्रायः सभी युद्धों का प्रमुख कारण हैप्सवर्ग और बुर्बो वंश का संघर्ष रहा। और हैप्सवर्ग वंश प्रारंभ में ऑस्ट्रिया का शासक था, लेकिन क्रमशः इसने हंगरी और बेहेमिया पर भी अधिकार कर लिया। हैप्सवर्ग का प्रधान पवित्र रोमन सम्राट साम्राज्य का सम्राट भी हुआ करता था। इस कारण उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। चार्ल्स पंचम, इसका समय काल था 1519 से 56 ईस्वी तक के दिनों में हैप्सवर्ग के विभिन्न शाखाओं ने जैसे कि स्पेन, नीदरलैंड, फ्रेंच, कामटे, मिलान और दो सिलसिलियों पर अपना अधिकार स्थापित किया। दोस्तों उस समय शायद मेरे गेट पे कोई आया था और मुझे लगा कि कोई तो है, ध्यान भटक गया था, इसके लिए मैं क्षमा मांग चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार मांगता हूँ, तो संभवतः आपने माफ कर दिया होगा। हाँ, तो चलते हैं। हैप्सवर्ग का यह विस्तार फ्रांस के बुर्बो शासकों के लिए आंखों का कांटा बन गया था। उसको ऐसा लगा कि फ्रांस हैप्सवर्ग क्षेत्र से घिरा रहा है या घिर गया है, और वे इस घेरे को तोड़ने का प्रयास करने लगे। उधर जर्मनी के राजाओं को पवित्र रोमन सम्राट की बढ़ती हुई शक्ति से चिंता हुई। वे उस मौके की तलाश करने लगे जिसकी सहायता से वे उसकी इस बढ़ती हुई शक्ति को रोक सके और अपनी स्थिति मजबूत कर सके। बाल्टिक राज्यों की महत्वाकांक्षा और बाल्टिक समुद्र में बढ़ता हुआ व्यापार भी इस युद्ध का एक कारण था। मित्रों, एक तरह से बाल्टिक समुद्र के द्वारा होने वाली व्यापार में डेनमार्क का नियंत्रण था, अतः डेनमार्क और व्यवसायिक क्षेत्र जो है काफी इनका जो है फैला हुआ था। किंतु इधर स्वीडन भी एक सैनिक और व्यवसायिक शक्ति के रूप में उदित हो रहा था और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही थी। इस राज्यों के अतिरिक्त लुबेक और ब्रीमेन के पुराने हैंसियाटिक नगर अपने व्यवसायिक और संपन्नता को बनाए रखने के लिए भी इच्छुक थे। उत्तरी जर्मनी राज्य जिनका नाम ब्रेंडेनवर्ग भी, ये भी बाल्टिक शक्ति बनना चाहता था। यहां तक कि स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड भी बाल्टिक शक्ति देशों के साथ अपना व्यापार करना चाहता बढ़ाना चाहता था और करना चाहता था। नीदरलैंड भी, जिसने उत्तरी समुद्र व्यापार में अपनी बढ़त हासिल कर ली थी, बाल्टिक में अपनी स्थिति को सुधारना चाहता था। अभी तक जो मैंने सारी बात कही है उसे यह एक बात तो स्पष्ट है कि धार्मिक संघर्ष, वर्षानुगत प्रतिस्पर्धा और धार्मिक प्रतिद्वंद्वता के आघात से जर्मनी की विभक्त और टूटी हुई स्थिति विदेशी हस्तक्षेप को निमंत्रण दे रही थी। और 17वीं शताब्दी के आरंभ तक जर्मनी समस्या अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका था, और इन्हीं सब दबावों के कारण जो है 30 वर्ष युद्ध हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को, जो कि मैं थोड़ा सा रुक रुक के ज़रा नखरे खा के मैं जो बोलता हूँ, इसको आप क्षमा करें और आगे
की जो कंटेंट है उस पर ध्यान देंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरी वो संभवतः 30 वर्षीय युद्ध के आरंभ और उसके विस्तार के बारे में होगी। तो दोस्तों कहीं मत जाइए और मोबाइल से चिपके रहिए, कुछ दिन बाद या फिर कल या परसों मैं ज़रूर वीडियो को लाऊंगा। और वीडियो यदि आप पसंद करते हैं तो ये मेरे लिए गर्व जो समझिए भैया, आप एकदम मस्त खुश हो जाते हम। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मैं देसी गुरु, और जो भी कंटेंट चाहिए आप प्लीज़ नीचे लिख दें, संभवतः मैं कोशिश करूँगा वो कंटेंट आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।